हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉग्निडू। हम आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। कल मैंने जो भी पढ़ा, जो भी मैंने आपको बताया, वो हमारा टॉपिक क्या था? प्रीएम्बल। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जिन वर्डों को मैंने कल सीखा, मैंने आपको सिखाया, उन्हीं वर्डों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उसके प्रीएम्बल के बारे में पूरी आपको बात बताती हूँ। कल मैंने जिन वर्डों को समझाया था, आई होप आपने रिवीजन रखा होगा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा। आई थॉट कि आज जब मैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूं या उसके बारे में आपसे फिर से पूछूं तो आप मुझे उसका आंसर दे पाए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, प्रीएम्बल। कल मैंने आपको क्या बताया था कि हम भारत के लोग क्या करेंगे। हमारे प्रीएम्बल का सबसे पहला वर्ड क्या था? We the people of India. हम भारत के लोग। हम अपने देश के लिए क्या करेंगे, अपने देश को कैसा बनाएंगे? हम भारत के लोग अपने देश को पांच कैसा बनाएंगे? सॉवरेन फर्स्ट, सोशलिस्ट समाजवादी, संपन्न। अब आप लोग जैसे जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूं, जैसे जैसे मैं इन चीजों को लिख रही हूं, मैं उम्मीद आप लोगों से इस बात की करती हूँ कि आई होप आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया था कल उस सबको रिवीजन करके रखा होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पर लिखूंगी लेकिन मतलब आप लोग समझाएंगे, आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इन सबकी मीनिंग मैंने कल क्या बताई थी, क्या डिफाइन किया था मैंने इन सारे वर्डों के बारे में, ये आप मुझे बताएंगे। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिपब्लिक, गणराज्य। मैंने इनकी मीनिंग्स कल आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा देश कैसा है, हमारे हम लोग जिस देश में रहते हैं वो कैसा देश है, सोवरेन है, यानी कि इंडिपेंडेंट है हम लोग, हम पर किसी और का कोई राज्य नहीं है, हम पर किसी और का कोई राज्य नहीं है, मतलब हम लोगों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का कानून है, हमारे पास, हम लोग एक भारत देश के निवासी हैं, हम लोग के पास अपने देश की नागरिकता है, तो हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। और मैंने इससे जुड़ी हुई आपको एक बात और बताई थी, जब हम लोगों ने अपने संविधान को, जब हम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए थे, जब हम लोगों ने अपने आप को आजाद करवा लिया था, हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया था, तब हम लोगों ने किसकी मेंबरशिप ली थी, कौन सा ऐसा संगठन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी हम लोगों ने मेंबरशिप ली थी, वो कौन सा था? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की हम लोगों ने मेंबरशिप क्यों ली थी, क्यों ली थी? हम लोगों ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप इसीलिए तो ली थी ताकि ब्रिटिशर से, जितने लोग जो ब्रिटिशर से अपना राज्य छुड़ा कर लाए थे, अपने राज्य, अपने को आजाद पाया था, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को एक संगठन में बांध लिया था। सारे देशों ने जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को एक संगठन में बांध लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे ऊपर उनका राज्य है, बस हम लोगों ने अपने आप को एक संगठन में बांध लिया था, जैसे आज भी हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, मेंबर हैं, भारत ने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले रखी है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की, हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, जिसका इंटरप्रिटेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। इंटरप्रेट मतलब क्या बताया था मैंने, समय समय पर व्याख्या, जिसकी व्याख्या हम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी, मतलब इसकी व्याख्या, जो चीज दिख रही है, इंटरप्रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज दिख रही है वो तो हमको पता है, वो हमें डिफाइन है, पर जो चीज दिख नहीं रही है उसकी व्याख्या कौन करेगा, किसको है ये राइट, हमारे सुप्रीम कोर्ट को है,
तो हमारी सरकार कैसा काम करेगी? हमारी सरकार हमारे हित में काम करेगी। यहाँ पर कैसी इकोनॉमी चलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मतलब यहाँ पर जो भी सरकार नियम बनाएगी, जो भी सरकार नई चीजें लागू करेगी, हमारे हित के लिए करेगी। हम जो भी जिसके लिए भी अर्न करेंगे, जैसे भी अर्न करेंगे, वो मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेक्युलर की। हमने सेक्युलर का क्या वर्ड मीनिंग बताया था? क्या मीनिंग बताया था हमने सेक्युलर का? यही तो मैंने आपको समझाया था कल कि भाई सेक्युलर हम लोग हैं। क्या हम लोग सेक्युलर हैं? क्या हमारे देश किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करती है? क्या किसी एक धर्म की सपोर्ट में है या किसी एक धर्म के विरोध में है? नहीं, हमारी हमारे राष्ट्र का, हमारे नेशन का कोई भी धर्म नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक। क्या डेफिनेशन दी थी मैंने डेमोक्रेसी की? मैंने बताया था डेमोक्रेटिक जो हमारा वर्ड है, सॉरी, डेमोक्रेटिक जो हमारा वर्ड है वो डेमो प्लस क्रेसी से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीपल। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल, शासन। लोक। ठीक है, इन दो वर्डों से मिलकर के हमारी क्या बनी है? डेमोक्रेटिक वर्ड बना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैंने कल क्या बताई थी आप लोगों को? क्या बताई थी? किसने दी थी और क्या डेफिनेशन थी? तो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये मार्क यूज किए हैं ताकि मुझे दोबारा मेरा टाइम सेव हो और आपको इजिली समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी वो हम ही लोगों में से बनेगी। हम में से कोई एक होगा जिसके पास नागरिकता होगी, जो हमारे देश को चलाएगा, वो हमारे देश का क्या होगा? नागरिक होगा। हमारे नेशन का क्या होगा? नागरिक होगा। उसके पास हमारे देश की नागरिकता होगी, प्लस गवर्नमेंट बाय द पीपल। भाई हम ही लोग तो इलेक्ट करेंगे। हमारे देश में जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी लोकसभा में बैठे लोग हैं, वो किसके द्वारा पहुंचे होंगे? वो हम ही लोग तो उनको चुनेंगे। हमारे प्रतिनिधि को कौन चुनेगा? हम चुनेंगे। हमारे प्रतिनिधि को हम चुनेंगे, और जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे, उनको कौन चुनेगा? हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे। तो मैंने वोटिंग की कितनी प्रणाली बताई थी आप लोगों को? कितने तरीके समझाए थे? दो। पहला डायरेक्ट इलेक्शन, सेकेंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? जिसमें हम लोग इंडल्ज होते हैं, जिसमें हम लोग मतदान करते हैं, बशर्ते हम लोगों ने उस चीज को फॉलो कर रखा हो। किस चीज को? क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन क्या थी? 18 साल की एज हम लोग की होनी चाहिए इलेक्शन में। कितनी एज होनी चाहिए? 18 प्लस। ये बात समझ में आई। और इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे, जिनको हम कहते हैं अपने प्रेसिडेंट, उनको कौन चुनेगा? हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे, जिनको हम लोगों ने लोकसभा में बिठा रखा है। वो क्या करेंगे? हमारे प्रतिनिधि, हमारे हेड ऑफ द स्टेट को चुनेंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इसका भी मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट फॉर द पीपल का क्या मतलब होता है? भाई इसका मतलब यही तो होता है, जो भी सरकार काम करेगी हमारे हित के लिए करेगी, हमारे लिए करेगी। जो भी योजनाएं बनाएगी, जो भी कानून बनेंगे, वो हमारे लिए तो बनेंगे। देखो मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहती हूँ। पहले तो किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए वक्त लगता है। धीरे 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 ही आप चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए परेशान बिल्कुल मत होना कि मैम बहुत तेज चल रही हैं या मैम बहुत धीमे चल रही हैं, क्योंकि बेटा धीमे चलेंगे तभी आप लोग को बहुत ऊपर तक ले जा पाएंगे हम। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म को गेन कर पाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट हमारे लिए तो काम करेगी, क्योंकि हम लोगों ने उसको चुना है, लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। वो किसके लिए काम करेगी? हमारे लिए काम करेगी। जो भी योजनाएं बनाएगी वो हमारे लाभ के लिए बनाएगी, और हमको देखते हुए बनाएगी कि हाँ ये हमारे देश में चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो वो हमारे हित के लिए काम करेगी। अब सेकेंड बात करते हैं। इस डेफिनेशन को मैंने आपको समझा दिया कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन क्या होती है। ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी इसकी ये डेफिनेशन? किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। इतनी बात हम लोग हमने आपसे कल डिस्कस कर ली थी। अब आगे बात करते हैं गणराज्य। और एक बात और, हमने ये भी बताया था
कि अल्टीमेट सॉवरेन हमारे देश में सबसे ज्यादा संपन्न कौन है, हमारे देश में सबसे ज्यादा संपन्न कौन है, तो द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने आपको कल क्या बताया था, हमारे देश में संपन्न द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए कहा जाता है अल्टीमेट सॉवरेन किसके पास है। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि ये फ्रेज सीधे सीधे पूछा जाता है, तो अल्टीमेट सॉवरेन किसके पास है, हम लोगों के पास, मतलब हमारे देश के लोगों के पास में, पीपल ऑफ इंडिया के पास में अल्टीमेट सॉवरेन। अब आगे बात करते हैं, रिपब्लिक, इसकी मैंने मीनिंग क्या बताई थी, इसका मैंने अपोजिट क्या बताया था, मोनार्क। ठीक है, हमारे देश में क्या है, क्या हमारे देश में हेरिडिटरी चलती है, कि हमारे देश में जैसे ब्रिटिश में होता है कि वहां पर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बाप बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, उसकी माँ बनेगी, ऐसे चलता है वहां पे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्या डिसाइड है भाई, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा, क्या होगा, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट होगा, और प्लस उसका क्या काम होगा, उसका फिक्स्ड कार्यकाल होगा, क्या होगा, फिक्स्ड कार्यकाल होगा, मतलब वो नॉन परमानेंट होते हैं, उनका 5 साल में तो हमें इलेक्शन कराना ही कराना है। अब इन सारी चीजों को मैंने आपको रिवीजन करा दिया, और मैंने दो बातें और भी आपको बताई थी, वो क्या थी कि हमारे संविधान, संविधान को क्या कहा जाता है, प्रियम्बल जो है, ये प्रियम्बल जो वर्ड मैंने आपको बताया, ये हमारे संविधान की क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान की आत्मा है प्रियम्बल। एंड द सेकेंड, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, ये जो हमारे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस ये जो प्रस्तावना वर्ड लिखा है यहाँ पे, जो प्रस्तावना दिया गया, ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड रूप है। किसका, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव, और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सेकेंड बात, इसको हमारी सभा में कब रखा गया था, कब इसे रखा गया था, प्रेजेंट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, कब किया गया था, ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आज का हमारा उसके आगे का है, हम यह वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को जस्टिस देंगे, हम भारत के लोग यह वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को जस्टिस देंगे। जस्टिस कितने प्रकार की होंगी, हम अपने देश के लोगों को न्याय देंगे, क्या देंगे, न्याय देंगे, और न्याय कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला, सोशल, सोशल समाजवादी न्याय, सेकंड इकोनॉमिक आर्थिक न्याय, थर्ड क्या है, फर्स्ट हो गया सोशलिस्ट, कैसा न्याय देंगे, सामाजिक न्याय, दूसरा हो गया इकोनॉमिक, तीसरा हो गया पॉलिटिकली, कैसा न्याय देंगे, राजनीतिक। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। पहली बात, ये जो हमारा जस्टिस है, हम भारत के लोग यह वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, किस तरीके का, 3 तरीके का, पहला सोशलिस्ट, तीसरा इकोनॉमिक, थर्ड वन इज पॉलिटिकल। तो वी विल डिस्कस अबाउट सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट न्याय के बारे में मैम क्या बात कर रही है, यानी समाजवादी न्याय, मतलब हमारी सरकार, हम लोग किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, किसके आधार पर, जन के आधार पर, उसकी धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, और मूल वंश के आधार पर हम लोग उससे क्या नहीं करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, उसको सामाजिक न्याय हमेशा देंगे। ये हमारे प्रियम्बल में दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, वादा करते हैं कि हम लोग जस्टिस देंगे, हर तरीके का न्याय देंगे, कोई भी भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं करेंगे, समाजवादी भेदभाव, जाति धर्म लिंग मूल वंश के आधार पर हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अब सेकंड बात करते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय क्या है, हमारे देश में
अमीर गरीब दोनों को बराबरी का हक दिया जाएगा। हमारे देश में क्या है, अमीर गरीब दोनों को बराबरी न्याय मिलेगा। मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट की तीसरा अंग जुडिशरी जब न्याय करने बैठेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। मान लीजिए अम्बानी के बेटे से कोई कांड कर दिया या कोई ऐसी चीज कर दी जिसके लिए न्याय, और किसी गरीब ने जो है किसी गरीब ने भी उसमें इंडल्ज है, उसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वो गरीब है तो उसे अंदर डाल दिया जाएगा। मैंने ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाई है, सिर्फ समझ सके इस वर्ड का यूज मैंने इसलिए किया है। प्लीज डोंट बी अ पर्सनल अबाउट इट, लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को आर्थिक न्याय भी देंगे, मतलब अमीर गरीब हमारे देश में सब लोग बराबर होंगे। और बात करते हैं पॉलिटिकली, अब यहाँ पर डिस्कशन होगा पॉलिटिकल पे। पॉलिटिकल न्याय क्या है मैम? पॉलिटिकल न्याय ये है बेटा कि यहाँ पर जो भी हमारे देश में जो भी नेता चुने जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट देकर मतदान दे सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको क्या बताया, हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब हम लोगों ने 18 एज अपनी ले रखी हो तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, वोटिंग में मतदान कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, मतदान कर पाएंगे, सेकेंड पॉइंट। और इसमें क्या कर पाएंगे, हम लोग राजनीति में पॉलिटिक्स में क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। मतलब हम लोग राजनीति में अपने आप को भाग दे पाएंगे, अपने हम लोग भी उसमें कंटेस्ट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, हम लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट कैसे, उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। यहां पर अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई मैंने उसको पॉज करते हुए आगे ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल न्याय किस तरीके से मिलेगा हम लोगों को। पहला, हम लोग एक इलेक्शन जब पार्टिसिपेट करेंगे, मतदान करेंगे, तो 18 एज होनी चाहिए, हम लोग मतदान कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते क्या करनी होगी, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। अब सेकेंड पे आते हैं, हम लोग ये वादा करते हैं कि हम अपने देशवासियों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। अब सेकंड करते हैं, सेकंड क्या है, हम लोग अपने देश के लोगों को लिबर्टी भी देंगे। क्या देंगे, लिबर्टी, स्वतंत्रता। कितने तरीके की, कितने तरीके की लिबर्टी देंगे, पांच तरीके की। कितने तरीके की, पांच तरीके की, पांच तरीके की लिबर्टी देंगे। पहली कौन सी होगी बेटा, थॉट्स, विचारों की लिबर्टी, ऑफ थॉट्स, विचारों की। सेकेंड, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यानी भाव अभिव्यक्ति की। थर्ड इज बिलीफ, फोर्थ इज फेथ, एंड द लास्ट वन इज वर्शिप, उपासना, पूजा, पूजा। अब आप एक सोच रहे होंगे, मैम ने इन दोनों की तो मीनिंग यहां पे लिख दी, बिलीफ और फेथ की क्यों नहीं लिखी? तो अभी मैं आपको सब समझाती हूँ। पहले हम लोग समझते हैं इन सब की, बिलीफ और फेथ की मैं आपको साफ बताऊंगी और बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि दोनों वर्ड की मीनिंग अगर इंग्लिश वाइज देखी जाए तो एक ही है, इसीलिए अभी रुकते हैं और आते हैं ऊपर की तरफ। तो हम ये वादा करते हैं, हम देश के लोग ये वादा करते हैं कि हम अपने देशवासियों को पांच तरीके की स्वतंत्रता भी देंगे, यानी लिबर्टी भी देंगे। फर्स्ट इज थॉट की, विचारों की स्वतंत्रता। हम लोग कुछ, क्या हमारे देश में ऐसा है कि हमारे सोचने पर रोक है, क्या हम लोग कुछ सोच नहीं सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं भाई, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, चाहे जो करें, ये मेरी मेंटेलिटी है, मैं चाहे जैसा सोचूं, ठीक है। सेकंड, अब जो हमने सोचा है उसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की भी तो हमें लिबर्टी मिली हुई है भाई, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस भी तो कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेस हम चाहे रोक के करें, चाहे गा के करें, चाहे हंस के करें, चाहे बैठे हैं गुस्से हैं मार भाई, देखो बिल्कुल भी जो है लड़ाई वड़ाई नहीं करना, प्यार से अपनी अभिव्यक्ति
जो भी इंसान करे वो एकदम लिमिट पे रह के अपने करे। ऐसा नहीं कि हमें अभी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम सॉरी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम किसी से जाके मारपीट कराएंगे, किसी को चार थप्पड़ पड़ाएंगे। भाई उसके लिए भी नियम बने हुए हैं, आप ऐसे किसी के ऊपर कोई भी गुस्सा वुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा आप अपने आप से करिए, खुद से गुस्सा करिए, जबान से गुस्सा करिए, बट एक लिमिट में। तो हमें क्या मिली हुई है? भाव अभिव्यक्ति। हमें लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी मिली हुई है, रो के करें, हंस के करें, चाहे जैसे भी हमारी मर्जी हो, जैसे मन करे हम वैसे करें, दुखी है सुखी है, ये मेरी अभिव्यक्ति है, ये मेरी सोच है, मेरी एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अब बिलीफ की बात करते हैं और फेथ की बात करते हैं। भाई दोनों का इंग्लिश वाइज अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या है, क्या है, क्या है बताइए? इसकी मीनिंग है विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एक ही मीनिंग तो निकल रही है, विश्वास। क्या होती है विश्वास? अब डिपेंड्स ये करता है कि बिलीफ और फेथ की जब मीनिंग एक है तो इसको समझाएं कैसे। तो बिलीफ का मतलब हो गया मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बिलीफ ये है तो ये है, ये क्या है? मतलब बिलीफ की मीनिंग और फेथ की मीनिंग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है ये? गलत हुआ ना, लेकिन आपने मेरी बात पे भरोसा किया तो ये क्या है? ट्रस्ट है, आपका विश्वास है मेरे ऊपर, मेरी बात पर आपको भरोसा है, तभी तो आपने मेरे ऊपर बिलीव किया कि हाँ मैम ने जो कहा है वो सही होगा। ठीक है, तो ये क्या है? भरोसा है आपका। तो बिलीव का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे पे भरोसा ही तो कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका भरोसा मेरे ऊपर होना, ये क्या है? ट्रस्ट है, विश्वास है। क्या है? आपका मेरे ऊपर विश्वास। अब बात करते हैं फेथ की। अच्छा बात करते हैं फेथ। फेथ क्यों कहा कि ये बिलीफ और फेथ दो वर्ड क्यों जोड़े गए? हमारे देश में फेथ का मतलब होता है किसी धर्म पे भरोसा करना, किसी धर्म पे। क्या हमारे देश में ऐसी किसी बात के लिए रोक है कि हम लोग किसी मंदिर में नहीं जा सकते या मस्जिद में नहीं जा सकते? हिंदू मस्जिद नहीं जा सकता या मुसलमान मंदिर नहीं आ सकता या चर्च नहीं जा सकता या फिर कहाँ? चार चीजें हुई ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च एंड गुरुद्वारा। ऐसा कोई नियम है हमारे देश में? नहीं। हम लोग जिस चीज को चाहे, जिस धर्म को चाहे, उस धर्म को माने। हम इस थ्योरी को अगर हम किसी धर्म से रिलेट कर दें तो ये आपका ओपिनियन है, आप इस धर्म पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये धर्म है मैं इसको मानता हूं। तो क्या है? धर्म पर भरोसा। फेथ का मतलब हो गया किसी रिलीजन पर आपका ट्रस्ट। आप कहीं भी जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, आप जाकर के भाई आप मंदिर जाओगे दिया जलाओगे, आप मस्जिद जाते हो अगर बत्ती जलाते हो, आप चर्च जाते हो कैंडल जलाते हो, क्या करते हो? यही तो करते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, अल्लाह के सामने दुआ करते हो, चर्च में जाके प्रार्थना करते हो, गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते हो, यही तो करते हैं। तो हमारे देश में लिबर्टी किस चीज की दी गई है? धर्म पर विश्वास करने की, धर्म पर फेथ करने की। बात करते हैं वर्शिप की। वर्शिप का तो सीधा सीधा है, वर्शिप उपासना। हमारे देश में इस बात की तो लिबर्टी है ही ना भाई कि हाँ हम उपासना कर सकते हैं, हमें पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किसी भी धर्म की पूजा हो। मैंने अभी आपको ऊपर ये बात बताई ना, आप किसी भी धर्म की उपासना करिए, पूजा करिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। अब ये मत सॉरी अब ये मत कर दीजिएगा कि आप रस्ते में बैठ गए हैं या कहीं पे बैठे हैं मंदिर में, मैं यही हवन करूंगा पूरी रात करूंगा, ये नहीं है भाई। लिबर्टी ऑफ वर्शिप अगर आपको दी गई है तो उसको कायदे में ही रह के करना है। रोड पे बैठ के अगर आप ये कहेंगे हम हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे तो ऐसे थोड़े नहीं चलेगा भाई। सारी चीजें हमें किसमें करनी है? दायरे में रह के करनी है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई? ये पांच बातें, सॉरी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इतनी बातें आपको समझ में आई? हम भारत के लोग ये वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को न्याय देंगे। न्याय कितने प्रकार का देंगे? तीन तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम अपने देश के लोगों को स्वतंत्रता भी देंगे यानी लिबर्टी भी देंगे। किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। अब आगे बात करते हैं, हम भारत के लोग अपने देशवासियों को इक्वालिटी भी देंगे। क्या देंगे? इक्वालिटी भी देंगे यानी कि समता का अधिकार भी देंगे। किसका अधिकार बच्चों? समता का अधिकार भी देंगे, समान
समान समझेंगे, क्या करेंगे? क्वालिटी का मतलब यही तो है भाई, इक्वल का क्या मतलब हुआ? समान। मैथ्स में यूज हो रहे इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है? इसके बराबर, समान। तो हमारे देश में इसके लिए भी एक नियम बना हुआ है कि हाँ इक्वालिटी देंगे हम। भारत के लोग ये वादा करते हैं कि हम अपने देशवासियों को क्या देंगे? इक्वालिटी देंगे, यानी समता देंगे। ठीक है, सॉरी, समता का अधिकार नहीं, समता देंगे, समान समझेंगे। अब आगे बात करते हैं भाई, इक्वालिटी भी दो तरीके की। पहली स्टेटस, प्रतिष्ठा। सेकंड क्या है? पहला हम लोग स्टेटस, प्रतिष्ठा। अब आगे बात करते हैं स्टेटस, फिर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, समान अवसरों की, समान अवसरों की। ठीक है, प्रतिष्ठा। पहले बात करते हैं स्टेटस की कि भाई स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब हो गया हमारे समाज में किसी का भी कोई भी स्टेटस हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, कोई भी सम्मान हो, लेकिन हमारे देश में सबको क्या दिया जाएगा? इक्वल मान सम्मान दिया जाएगा। किसी को अमीर गरीब, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी के पोजीशन से उसको सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ पर अमीर को भी वही सम्मान मिलेगा जो एक गरीब को मिलता है, और गरीब को भी वही सम्मान दिया जाएगा जो अमीर को मिलता है। तो हमारे देश में स्टेटस को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? सभी को एक समान समझा जाएगा। क्या किया जाएगा? सभी को एक समान समझा जाएगा। अब बात करते हैं अवसरों की। सभी को समान अवसर भी मिलेंगे, सभी को प्रतिष्ठा भी मिलेगी समान, और सभी को समान अवसर भी मिलेंगे। अभी अवसरों की क्या बात है भाई? हमारे देश में नौकरी, पढ़ाई, इन सब के क्या होंगे? समान अवसर मिलेंगे। लेकिन 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 यहाँ पर जो बात हो रही है अवसरों की, ये जो मैंने बताया कि इक्वालिटी तो दी जाएगी, समानता, मैंने सबको, सभी को समान समझा जाएगा, लेकिन कैसे समझा जाएगा? अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, नौकरी भी दी जाएगी, पढ़ाई लिखाई में भी सब लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि नहीं भाई ये नहीं पढ़ सकता तो ये नहीं पढ़ सकता, हर कोई पढ़ सकता है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है। हमारे देश में रिजर्वेशन भी तो एग्जिस्ट करता है। क्यों? जब हम लोग नौकरी लेने जाते हैं, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, जब चीजें करते हैं, तो क्या वहां पे रिजर्वेशन नहीं जमता? रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है ना। तो हमारे देश में अवसर तो मिलेंगे, ठीक है, सभी को समान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, रिजर्वेशन। तो जब मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, अवसरों का अधिकार, समानता का अधिकार, तब वहां पर मैं रिजर्वेशन आपको याद आएगा कि मैम ने एक चीज छोड़ी थी, वो क्या थी? जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स अपने पढ़ाऊंगी, तब वहां पर इस चीज का डिस्कशन होगा जो आपका फेवरेट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। शायद ही आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भले ही ना पता हो, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि मैं फंडामेंटल राइट्स क्या, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं क्यों खड़ी हूँ, मैं आपको बताऊंगी। तो फंडामेंटल राइट्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहां पर हम इस बारे में बात करेंगे कि मैंने वहां पर एक क्वेश्चन छोड़ा था, रिजर्वेशन वो क्या है। तो अभी आप लोग जानिए कि हमारे देश में समान अवसर भी मिलेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आज का क्या हुआ सेशन? हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा? अभी ये चीजें कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग धीरे धीरे पढ़ें चीजों को। अगर मैं इतनी ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आप उतना ज्यादा भूलेंगे, ठीक है? तो मैं ये इस टॉपिक को यहीं पर रोकूंगी, और यहाँ से आप लोगों का एक क्विक रिवीजन। मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया? पहले मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने जो आपको प्रेम्बल के 5 वर्ड्स के बारे में समझाया, और आज मैंने बताया कि हम भारत के लोग वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को इक्वल, सॉरी, जस्टिस देंगे। क्या देंगे? न्याय देंगे। कितने तरीके का न्याय? 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि हम भारत के लोग यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश में स्वतंत्रता भी देंगे, लिबर्टी भी देंगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी भी देंगे, ठीक है, थॉट्स, विचारों की। दूसरा एक्सप्रेशन, भाव अभिव्यक्ति की। तीसरा बिलीफ की, आपका मेरे ऊपर भरोसा। बिलीफ है क्या? है आपका मेरे ऊपर भरोसा, मेरी की बात पर किए हुए पर भरोसा, बिलीफ है। फेथ, हम किसी भी धर्म पर विश्वास करें, ये मेरा आउटलुक है, इसमें किसी और का इंटरप्शन हो ये जरूरी ही नहीं है।
हम किसी पे भरोसा करें, किसी धर्म को माने, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा है, क्योंकि मुझे लिबर्टी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, वर्शिप हम उपासना चाहें जिसकी उपासना करें, हमें लिबर्टी ऑफ पूजा की भी मिली, लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी मिली हुई है। हम लोग पूजा भी कर सकते हैं अपने देश में, किसी धर्म को मानना या किसी धर्म के सामने मत्था टेकना या दुआ मांगना हमारे देश में मना नहीं, हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को समान समझेंगे, इक्वल समझेंगे, इक्वालिटी देंगे। कौन कौन सी इक्वालिटी? दो तरीके की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब हम लोग सभी लोग, अमीर गरीब, किसी को सामाजिक उसकी मान, उसकी डिजिग्नेशन के हिसाब से हम उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। हमें ये राइट नहीं दिया गया है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेशन करें। वो बात अलग है कि चीजें चलती रहती हैं, बट हमारे संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें किसी को भी। तो हमारे देश में अमीर गरीब दोनों को समान समझा जाएगा। अब बात करते हैं अवसरों की। दूसरा क्या था? अवसर। हमारे देश में सभी को समान अवसर भी दिए जाएंगे, लड़की हो, लड़का हो, अमीर हो, गरीब हो, सब पढ़ सकते, सब आगे बढ़ सकते, सबको नौकरी मिलेगी। बट द क्वेश्चन इज कि अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? जब अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएंगी तो रिजर्वेशन क्या कहाँ से आ गया? रिजर्वेशन के बारे में जब मैं आपको समझाऊंगी, जो आज तक आपको गलत लगता आ रहा था वो गलत नहीं लगेगा। एक्सप्रेशन सॉरी लिबर्टी सॉरी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हमें दी गई है, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने का एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगर मैंने अभी आपको बताना शुरू किया तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। तो समान अवसरों की भी मिलेंगी, क्या होगी? समान अवसर भी हमारे देश के नागरिकों को मिलेंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मैंने आपको कल, परसों और नरसों इन तीनों चीजों को पढ़ाया। इन तीन चीजों में आपको जो भी समझ में नहीं आया, कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट्स के माध्यम से जुड़े रहिए और वहां पर कमेंट करिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मैम मुझे वो समझ में नहीं आया। आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी आई विल रिप्लाई। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी जो भी मेरी चीजों, मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बार बार बताऊंगी। तो डोंट बी कंफ्यूज, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन के बिना सारी चीजें सॉल्व होती रहेंगी। और प्लीज अपनी मैम को थोड़ा सा अप्रिशिएशन दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं आपके लिए और आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत ज्यादा, कि आप लोगों को आगे बढ़ा सके। तो क्या करिएगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार सब्सक्राइब करिए, फिर देखिए आपकी मैम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सो थैंक यू।